दोस्तों, कभी कभी आपकी जरूरतें आपको इतना बेबस बना देती है कि आप किसी को ना चाहते हुए भी मारने को तैयार हो जाते हैं। फॉरगॉटन मूवी इस प्लॉट पे एक मास्टरपीस है जिसकी स्टोरी हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की मूवी फॉरगॉटन के बारे में। दोस्तों, 2017 में आई ये फिल्म फॉरगॉटन एक साउथ कोरियन थ्रिलर मिस्ट्री है जिसे डायरेक्ट किया है जेंग हेंग जन ने, और मुख्य भूमिका में नजर आते हैं कंग हान्योल और किम म्यू योल जैसे कोरियन कलाकार। फॉरगॉटन को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था जो कि 190 कंट्रीज में अवेलेबल था। अब चलिए चलते हैं मूवी के प्लॉट की ओर। दरअसल इस कहानी की शुरुआत एक जिन सॉक नाम के लड़के की आंख खुलने से होती है। जिन सॉक और उसका बड़ा भाई यू सॉक अपने मम्मी पापा के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। जिन सॉक थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। फाइनली वो सब अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन जिन को वो जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जिन सॉक की अपने बड़े भाई यानी यू सॉक से बहुत बनती थी और यू सॉक अपने कॉलेज का टॉपर भी था, लेकिन लास्ट ईयर एक्सीडेंट के चलते उसने अपना लेफ्ट लेग खो दिया था, जिसकी वजह से अब वो परफेक्टली चल फिर नहीं पाता था। कैलेंडर पे स्पेशल फोकस किया जाता है क्योंकि डेट है 5 मई 1997। एक शिफ्टिंग हेल्पर थोड़ा अमेज्ड लुक देके जिन सॉक से पूछता है कि यू सॉक उनसे कितने साल बड़ा है। जिन सॉक इस सवाल को कैसे ट्रीट करे समझ नहीं पाता है, लेकिन तभी यू सॉक आता है और बात टाल देता है। नए घर में एक कमरा था जहां पर जाने की सख्त मनाही थी। जिन सॉक के डैड पूछने पे बताते थे कि घर के पुराने ओनर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उस रूम को ना खोला जाए। उस रात को जिन सॉक को कुछ आवाजें आ रही थी जब वो डिनर टेबल पे था। उसे लगा कि आवाजें ऊपर वाले कमरे से आ रही है, लेकिन सबने उसको बिजली कड़कने की आवाज कह के इग्नोर कर दिया। जब जिन सॉक बेड पर लेटा होता है तब उसे फिर उसी लॉक्ड रूम से आवाज आती है, पर यू सॉक को ऐसी कोई आवाज नहीं आती। यू सॉक कहता है कि कल उन दोनों को कहीं वॉक पर जाना चाहिए। जब वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं तभी यू सॉक के पास एक कॉल आती है, जिसके बाद वो बोलता है कि उसे डैड को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। लेकिन रास्ते में जिन सॉक के सामने ही यू सॉक को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। जिन सॉक जल्द ही घर पहुंचता है और मॉम डैड को ये बात बताने के बाद बेहोश हो जाता है। अगले दिन जिन सॉक को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके डैड ने इस काम के लिए डिटेक्टिव्स को हायर किया है। पूछने पर जिन सॉक बताता है कि उसने किसी किडनैपर की शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो जिस गाड़ी में गए थे उसका नंबर देखा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिन सॉक के द्वारा बताए गए नंबर की गाड़ी तो थी ही नहीं। जिन सॉक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। डिटेक्टिव्स अपनी खोज जारी रखते हैं, लेकिन अचानक से ही 19 दिन बाद यू सॉक वापस आ जाता है। दरअसल उस रात जिन सॉक को एक सपना आता है कि उसी कमरे से तोड़फोड़ की आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है एक अजीब सी लड़की उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस बार हकीकत में उसकी नींद खुल जाती है। वो सामने देखता है तो उसे यू सॉक सामने देखता है, जिसका मतलब अचानक से ही यू सॉक वापस आ जाता है। यू सॉक को किडनैपिंग के बारे में कुछ पता नहीं रहता, जिसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे डिसएसोसिएटिव अमनीजिया है, जिससे उसकी ब्रेन की पेनफुल मेमोरीज वो भूल चुका है। रात में यू सॉक कहीं बाहर चला जाता है और सुबह जिन सॉक के पूछने पर ये बोल देता है कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। रात में जिन सॉक अपने कमरे में पढ़ रहा होता है और तभी यू सॉक जिन सॉक की आंख के करीब पेंसिल की लेड को ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आंख के अंदर जा पाती लेड टूट के टेबल पर गिर जाती है। ये आवाज सुन के जिन सॉक उठ जाता है और यू सॉक को बाहर जाते देखता है। यहाँ पे वो गौर और करता है कि यू सॉक बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था जबकि उसका लेफ्ट लेग इंजर्ड था। जिन सॉक यू सॉक को फॉलो करता है और उसे पता चलता है कि यू सॉक उन्हीं डिटेक्टिव से मिलने गया होता है। जिन सॉक को यकीन होता है कि जो उसके सामने इस समय था वो उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव्स उसे देख लेते हैं, लेकिन किसी तरह डिटेक्टिव से अपना पीछा छुड़ा के बच जाता है। लेकिन तभी यू सॉक पीछे से जिन सॉक को बेहोश कर देता है। अगले दिन उसी टेबल पर जिन सॉक की आंख खुलती है। जब वो सख्ती से यू सॉक से कल रात के बारे में पूछता है तो यू सॉक कह देता है कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा, और इसके बाद यू सॉक जिन सॉक से सवाल करता है कि वो अपनी दवाई ले रहा है या नहीं। जिन सॉक को याद आता है कि इस समय वो नियमित रूप से दवाई नहीं ले रहा है और उसे लगता है शायद इसी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन टेबल पे उसे वही टूटी हुई लेड मिलती है, जिसके बाद उसे विश्वास होता है कि सब असली था। वो ये बात अपनी मॉम को बताता है। उस रात बारिश हो रही थी और वो अपनी मॉम को किसी से कहते हुए सुनता है कि उसे सब पता चल चुका है, तुम जल्दी आओ। मॉम को लगता है कि दरवाजे पे कोई है, और जांच के लिए जब वो जिन सॉक के कमरे में जाती है तो उसे जिन गीले बेडशीट के अंदर दिखता है। मॉम सब समझ जाती है और बाहर जाके मिस्टर पार्क को फोन करती है। उसी समय उसके डैड वहां आ जाते हैं और जिन सॉक ये समझ जाता है कि ये उसकी फैमिली नहीं थी। वो वहां से भागने में किसी तरह कामयाब हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां वो बोलता है कि उसकी उम्र 21 साल है और जिनके साथ वो रह रहा था वो उसकी फैमिली नहीं थी। इसके बाद पुलिस वाले ने एक ट्विस्टिंग सवाल पूछा।
उसने पूछा कि अगर वो इसकी फैमिली नहीं थी तो वो इतने सालों से उनके साथ रह क्यों रहा था। इसके बाद एक ऑफिसर कहता है कि सर रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसकी उम्र 21 नहीं 41 साल है। ये दोनों बातें सुनके जिनसॉक शॉक्ड हो जाता है और जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। असल में ये साल 2017 चल रहा था लेकिन जिनसॉक के हिसाब से साल अभी भी 1997 था। ये सुनके वो दोबारा उस घर में गया और इस बार वो लॉक्ड रूम में पहुंचता है जहां वो देखता है कि चारों तरफ खून ही खून है। तब वो तीनों उसे बताते हैं कि ये कहानी आज से 20 साल पहले शुरू होती है जब इसी कमरे में एक औरत और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई थी और मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि जिनसॉक ने किया था। लेकिन इसके बाद जब जिनसॉक पकड़ा गया तो डॉक्टर पार्क यानी वही आदमी जो जिनसॉक का बाप बना था वो एक साइकोलॉजिस्ट भी था और उसने बताया कि जिनसॉक वाकई सब भूल चुका है डिसोसिएटिव एमनीजिया की वजह से। और इसी के बाद सारी कड़ियां मिलने लगती है जब जिनसॉक नए घर में शिफ्ट होने जाता है। दरअसल ये इन तीनों लोगों का प्लान था ताकि सीन को रिक्रिएट करके ये जिनसॉक की उस मेमोरी को वापस ला सके। यूसॉक की किडनैपिंग नहीं हुई थी बल्कि उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था असॉल्ट एंड मर्डर के केस में, लेकिन 19 दिन बाद उसे छोड़ दिया था। उनके सीन रिक्रिएशन में बारिश का होना जरूरी था क्योंकि मर्डर वाली रात में बारिश हो रही थी। जिनसॉक को जब यूसॉक ये सब बता रहा था तब जिनसॉक बोलता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया और ये कहते ही वो कार से उतर के भागने लगा और इस चेज में यूसॉक का एक्सीडेंट हो जाता है और जिनसॉक को भी एक गाड़ी टक्कर मार के चली जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जिनसॉक को सब याद आ जाता है कि जिस दिन उसके मॉम डैड के साथ वो नए घर में शिफ्ट हो रहा था उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है और भाई सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ज्यादा दिन जिनसॉक के भाई को आईसीयू में नहीं रख पाएंगे और उसे जल्द ही सर्जरी के पैसों का इंतजाम करना होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते उसे कोई नौकरी नहीं मिलती और तभी उसे एक मेल आती है जिसमें एक मर्डर करने के बदले पैसे देने को कहा जाता है। जिनसॉक उस रात पहुंचता है और एक्सीडेंटली उस औरत और उसके लड़के को मार देता है लेकिन उसके छोटे लड़के को छोड़ देता है। लेकिन जाते जाते उसे पता चला कि ये उसी डॉक्टर की बीवी है जिसने उसे ये मर्डर करने को कहा। पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते उसे बीवी के इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे, लेकिन जिनसॉक और डॉक्टर की झड़प होती है जिसमें डॉक्टर एक्सीडेंटली छत से गिर जाता है और मर जाता है। तभी यूसॉक जिनसॉक को मारने की कोशिश करता है लेकिन मारता नहीं है, पर इसी बीच वो बताता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसको जिनसॉक ने छोड़ दिया था। यूसॉक को पता होता है कि ये काम उसके पापा ने करवाया था लेकिन जिनसॉक सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है। ये सुनकर यूसॉक निराश होकर वहां से निकलता है और कूद कर अपनी जान दे देता है। साथ ही साथ यूसॉक के द्वारा लाए गए जहरीले इंजेक्शन को जिनसॉक लगा लेता है और मर जाता है। दी एंड। दोस्तों, इस एज ऑफ द सीट थ्रिलर मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मूवी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।